1982 से कांग्रेस से जुड़े कार्यकर्ता दिलीप ठाकुर ने बीजेपी का हाथ थाम लिया है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाए हैं कि मेरी 62 साल की उम्र हो गई है, आज तक कांग्रेस पार्टी ने ना कोई काम किया है और ना ही हुआ है। वहीं दिलीप ठाकुर ने जयराम सरकार की तारीफ की, साथ ही देश के पीएम नरेंद्र मोदी की नीति को अच्छा बताया। उन्होंने कहा, मोदी की सच्ची नीति के कारण मैं बीजेपी में शामिल हुआ। साथ ही सिरमौर की जिला अध्यक्ष सीमा कन्याल ने दिलीप ठाकुर और संतलाल के बीजेपी में शामिल होने के लिए धन्यवाद प्रकट किया। कांग्रेस के साथ जुड़ा हूँ, जो पार्टी थी हमारी कांग्रेस की, तो आज तक और मेरी 62 साल की एज हो गई है। अभी तक जो कांग्रेस ने वो कोई ना मेरी पार्टी का काम किया और ना कुछ हुआ। मोदी जी और जयराम ठाकुर जी का मैं तहदिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, जिनकी नीति और धर्म से जो पब्लिक चल रही है, सारी नीति अच्छी है ठाकुर जयराम जी की और हमारे मोदी जी की। पब्लिक हमें देखो, इस बुढ़ापे पेंशन में अभी तक पेंशन नहीं मिली। मोदी जी ने हमारे को हर समय जब भी जाओ बैंक से अपना पैसा दो और घर आ जाओ, तो हमें ये सुविधा बहुत ही अच्छी मिली। इस वजह से सच्ची नीति के कारण मैं जो है बीजेपी में शामिल हो गया। शिमला के ठियोग अस्पताल में डॉक्टर व अन्य पैरामेडिकल स्टाफ के रिक्त पड़े पदों को भरने की मांग को लेकर ठियोग के माकपा विधायक कार्यकर्ताओं, स्थानीय पंचायत प्रतिनिधियों व अन्य लोगों के साथ डायरेक्टर स्वास्थ्य विभाग के दफ्तर पर धरने पर बैठ गए हैं। ठियोग में 150 वाला अस्पताल महज 4 नर्सों की सहायता से चल रहा है। वहीं इस मामले पर माकपा विधायक राकेश सिन्हा ने कहा कि ठियोग अस्पताल में विभिन्न विभागों के स्पेशलिस्ट डॉक्टर पहले से ही नहीं थे, लेकिन एनेस्थीसिया का जो डॉक्टर था उसका भी सरकार ने तबादला कर दिया और इस विषय में उन्होंने सरकार और विभाग का हर स्तर पर दरवाजा भी खटखटाया है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। मेजर ऑपरेशन भी हो रहे, लेकिन आप जानते हैं मेडिकल साइंस के तहत बगैर एनेस्थीसिया दिए हुए आप ऑपरेशन कर नहीं पाएंगे। जो वहां पर एनेस्थीसिस्ट था उनकी ट्रांसफर हो गई। पहली दफा जब मैं सेक्रेटरी महोदय अमिताभ अवस्थी जी के पास गया तो रोडू से कहा गया कि दो वहां पर एनेस्थीसिस्ट है, एक की ड्यूटी वहां लगेगी, वो वहां से आए नहीं। 3 किन्नौर में है, ना माइनर ऑपरेशन हो रहे हैं वहां, ना मेजर ऑपरेशन हो रहे हैं। 4 तारीख का ऑर्डर है, 8 तारीख का ऑर्डर है जो सेक्रेटरी महोदय ने ऑर्डर किया है कि उसको आप ठियोग लाएं। लेकिन 8 तारीख 21 हो गई और अभी तक उस ऑर्डर को इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। कल जो हेल्थ डायरेक्टर है बात करने से मुखर गए, एक चुने हुए विधायक से आप बातें नहीं करेंगे तो मुझे बताएं लोगों की पीड़ा कैसे दूर होगी। जो दर्द है, स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई है, 150 हॉस्पिटल बेडेड हॉस्पिटल है, लेकिन आप उसका उद्घाटन नहीं कर रहे हैं। स्टाफ नर्स मात्र आज 4 है, मुझे बताएं 4 स्टाफ नर्स किस तरीके से सेवा दे सकती है। शिमला में जवाहरलाल नेहरू ललित कला महाविद्यालय शिमला के वार्षिक पुरस्कार समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर मौजूद रहे। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ ने कहा कि हिमाचल में कला के क्षेत्र में बेहतर शिक्षा मिल रही है, यहाँ कला में गुणों को बेहतर निखार मिल रहा है और अब जरूरत है कलाकारों को बेहतर मंच प्रदान करने की ताकि उनकी कला लोगों तक पहुँचे। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि कला के क्षेत्र में भारत की दुनिया में महारत रही है, जब दुनिया को मालूम नहीं था तब हम कलाओं में माहिर थे। मेरे सभी प्रिय विद्यार्थी मित्रों, ऐसे वार्षिक पुरस्कार वितरण तो हर साल होते हैं, परंतु पिछले कुछ समय में इसका इतना बड़ा आयोजन नहीं हो सका, संभव भी नहीं था, सबके लिए कठिन था। और आज इस समारोह में आप सब यहाँ आए हैं, इस ललित कला महाविद्यालय में जिस प्रकार की शिक्षा दी जाती है उसका एक थोड़ा सा
ट्रेलर मुझे देखने को मिला, थोड़ी सी झलक मैंने देखी और यह झलक देखने के बाद पता चला कि यह कला महाविद्यालय यहाँ कितना महत्वपूर्ण है और कितनी बड़ी मात्रा में यहाँ शिक्षा में योगदान दे रहा है। हर प्रकार की शिक्षा इस देश में पली है, बड़ी हुई है, हर प्रकार की शिक्षा, विज्ञान की हो, कला की हो, तकनीकी हो, सभी प्रकार की शिक्षा इस देश में सदियों से आए, हजारों वर्षों से यहाँ पली है, पनपी है, वृद्धिंगत हुई है। और खास कर में कला जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में भी अपने देश की पूरे दुनिया में महिरत रही है। पूरे देश को जब पता नहीं था कि संगीत क्या होता था, कला कैसी होती थी, उस समय यहाँ कला का इतना बड़ा आविष्कार हुआ था। हम पुराने समय से अनेक लोगों के नाम यहाँ सुनते हैं, उनसे शिक्षा भी लेते हैं। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को देखते हुए अब चोरी की घटनाएं भी बढ़ने लगी है। खबर सोलन जिले की है, जहां एक नया चोर गिरोह सक्रिय हो गया है। ये गिरोह सड़क किनारे खड़ी गाड़ियों से तेल चोरी करता है। बता दें कि सोलन के साथ लगते पंचायत जोनाजी में खड़ी गाड़ियों से चोरों ने तेल निकालना शुरू कर दिया है। वहीं लोगों का कहना है कि रोज इस तरह की चोरी यहां पर होती है, जिस पर रोक लगाना बहुत जरूरी हो गया है। साथ ही लोगों का कहना है कि उनके घरों तक सड़क नहीं है, इसलिए वे घरों के निकट सड़क किनारे गाड़ियां खड़ी कर देते हैं। अगर इसी तरह से तेल चोरी होता रहा तो उन्हें गाड़ियां खड़ी करना कठिन हो जाएगा। वहीं ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि इस पर कड़ा संज्ञान लिया जाए और चोरों को जल्द गिरफ्तार किया जाए। मंडी जिला के निहरी क्षेत्र में एक मानसिक तौर से दिव्यांग 22 वर्षीय युवती के साथ अज्ञात व्यक्ति ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है, जिसके बाद युवती 4 महीने की गर्भवती हो गई है। वहीं पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। युवती अभी कुछ भी बयान देने की स्थिति में नहीं है। बता दें कि बीएसएल कॉलोनी पुलिस थाना के तहत निहरी क्षेत्र में पिछले 13-14 वर्ष से मानसिक तौर पर दिव्यांग 22 वर्षीय युवती अपने परिजनों के साथ रहती थी। युवती का इलाज आईजीएमसी शिमला में चल रहा है। वहीं मंगलवार को अचानक युवती के पेट में दर्द होने पर परिजनों द्वारा उसका चेकअप आईजीएमसी शिमला में करवाया गया और युवती गर्भवती पाई गई। मामले की पुष्टि करते हुए डीएसपी सुंदरनगर दिनेश कुमार ने कहा कि युवती के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।